तो हाय गाइस, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 29th क्वेश्चन है नूतन का 29th क्वेश्चन है। आप कृपया करके मैच कर सकते हैं, ठीक है? 29th क्वेश्चन है, मैच कर लीजिएगा। इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताना है। वेक्टर का डायग्राम है, आप बुक से देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन है m1 आपको दिया हुआ है 2 kg, m2 आपको दिया हुआ है 3 kg, और आपको जो v1 है वो दिया हुआ है 6 m/s, और v2 जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 4 m/s। 4 m/s आपको इसका v2 दिया हुआ है, ठीक है? इसका वेक्टर डायग्राम सबसे पहले बना देते हैं। इसका जो वेक्टर डायग्राम होगा वो कुछ, वेक्टर डायग्राम से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि आप अगर इसका मोमेंटम निकालना चाहें तो मोमेंटम ही इसमें काम दे सकता है। मोमेंटम अगर निकालेंगे तो जो P1 होगा हमारा, P1 वेक्टर क्वांटिटी, तो आएगा m1 v1, ठीक है? m1 कितना दिया हुआ था, m1 2 दिया हुआ था, और v1 कितना दिया हुआ था, 6 m/s। पर याद रखिएगा, 6 अगर आप ध्यान से देखें डायग्राम में, ये देखिए v1 इस तरफ लग रहा है, इसका मतलब आप देखिए ये आपका v1 है, v1 इस तरफ लग रहा है, और इस तरफ क्या होता है हमारा, आई कैप होता है ना, वेक्टर में बड़ा था आई कैप होता है। तो सिंपली अगर मैं चाहूँ तो इसको 6 m/s को 6 i कैप लिख सकता हूँ। आई कैप मैंने लिख दिया, उसे ये बन गया 6 i कैप, 6 i कैप बन गया, आंसर आ गया 12 i कैप। सिमिलरली m2 के लिए चलते हैं। m2 का डायग्राम कुछ यूं है, नीचे है v2 और इसका मास है m2। m2 दिया हुआ था 3 kg, तो हम लोग इसका अगर मोमेंटम निकालना चाहें दैट इज p2 m2 इंटू v2, है ना? m2 कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, v2 कितना दिया हुआ था, 4 दिया होता, और 4 नीचे लग रहा है ना, ये देखिए ये नीचे लग रहा है, नीचे क्या होता है, माइनस जे कैप, तो यानी कि माइनस फोर जे कैप हो गया। तो इसका आ गया माइनस का 12 j कैप, है ना? अब इसके हिसाब से हम लोग अगर वेक्टर डायग्राम अपना बनाने चाहें तो ये रहा p1, ये रहा p2, डॉट डॉट डॉट, ये रहा इसका रिजल्टेंट p, ये रहा ना, ऐसा ही कुछ बनेगा, और ये रहा 45 डिग्री। सिंस इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो 45 डिग्री हो गया हमारा थीटा, और ये रहा पी, दैट इज़ रिजल्टेंट। अब क्या होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, अंडर रूट p1² + p2² सिंपली स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, यानी कि 12√2, 12√2 का आंसर आएगा 16.97। अब हमें चाहिए था पी का मैग्नीट्यूड, चाहिए था 17 आ जाएगा मैग्नीट्यूड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड आ गया पी का। अब देखिए फाइनल जो आंसर होगा अपना वो होगा 17 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये रहा अपना आंसर। हाँ, यही रहा ना, द हॉरी जॉन्टल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।